दोस्तों क्या आपको पता है एक प्लेनेट और एक स्टार कितने बड़े हो सकते हैं, यानी कि उनकी साइज लिमिट क्या होती है। और हमारे यूनिवर्स का खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल टॉन 618 कितना बड़ा है। और क्या आप एक ऐसी स्टार की कैटेगरी के बारे में जानते हैं जो कि अंदर से ब्लैक होल और बाहर से एक स्टार होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो बेसिकली एक प्लेनेट के पास 10 जुपिटर जितना मास और या फिर उतना बड़ा हो सकता है, लेकिन इसके बाद उस प्लेनेट की ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वह सीधा एक स्टार बन जाएगा। और एक जुपिटर लगभग 1300 धरतियों के बराबर होता है, यानी कि 13000 धरती जितना एक प्लेनेट। लेकिन एक स्टार की लिमिट क्या होती है? तो बेसिकली एक स्टार 200-250 से 300 सूरज जितना ही बड़ा हो सकता है। उसके बाद उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो खुद की ग्रेविटी में कोलैप्स होकर एक न्यूट्रॉन स्टार बनाएगा या फिर तो एक ब्लैक होल। इस लिमिट को कहा जाता है द एडिंगटन लिमिट। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक ब्लैक होल की कोई भी साइज लिमिट नहीं होती अकॉर्डिंग टू आवर मॉडर्न फिजिक्स। बस एक चीज है कि ब्लैक होल का साइज टाइम पर डिपेंड करता है। जो ब्लैक होल जितना पुराना होगा वो उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। अब देखो, हमारे सूरज से मिलियंस टाइम्स बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को जस्टिफाई करने के लिए साइंटिस्टों ने एक थ्योरी प्रपोज की थी। इस थ्योरी के अनुसार जब हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा था तब सभी मैटर बहुत डेंस थे और गैलेक्सीज बहुत तेजी से फॉर्म हो रही थी। तो ऐसे में उस टाइम पर कुछ ऐसे स्टार्स थे जिन्होंने 1000 सोलर मासेस जितना मास गेन कर लिया। इसी वजह से स्टार फॉर्म होने से पहले ही उनका कोर एक ब्लैक होल में बदल गया और बाहर से वो स्टार बन गए। मतलब कि बाहर से ये स्टार सूरज से कई गुना ज्यादा बड़ा स्टार है और अंदर एक पृथ्वी के साइज का ब्लैक होल है। और यही ब्लैक होल उस स्टार के कोर में रहकर उसी स्टार को धीरे धीरे खा जाता है। तो अब आ जाते हैं वीडियो के उस पार्ट पर जिसके लिए आप बेसब्री से अभी तक बने हुए हो, द अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल। दोस्तों धरती से ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर गैलेक्सी OJ287 के बीच में एक ऐसा अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल मिला है और वो अपने अराउंड हमारी गैलेक्सी के सेजिटेरियस ए से भी 40 गुना ज्यादा बड़े ब्लैक होल्स को अपने अराउंड घुमा रहा है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इन ब्लैक होल्स को एक नया नाम दिया, द अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स। ऐसे अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पैन में इतने सारे स्टार्स सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को खाया है कि उनकी ग्रेविटी से कभी कभी इतने पावरफुल क्वार्क्स बन जाते हैं जो कि कंबाइन बिलियंस ऑफ गैलेक्सी से भी ज्यादा ब्राइट होते हैं। तो क्या कोई गैस करना चाहेगा कि इनका साइज कितना बड़ा होता है? नहीं तो मैं आपको बता दूं, तो अगर उस ब्लैक होल की बात करें जो कि OJ287 गैलेक्सी के सेंटर में है, तो वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर हमारे सोलर सिस्टम जैसे 3 सोलर सिस्टम आराम से समा सकते हैं। और अगर इसे अभी तक के खोजे गए सबसे बड़े ब्लैक होल से कंपेयर किया जाए, यानी कि TON618 से, तो ये ब्लैक होल पहाड़ के सामने एक इंसान जैसा लगेगा। तो गाइस TON618 ब्लैक होल 66 बिलियन सूरज जितना भारी है और इसकी ब्राइटनेस तो ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स को कंबाइन करने के बाद जितनी ब्राइटनेस होती है ना उससे भी ज्यादा है। और साइज तो यार बहुत ह्यूज है। मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें ना तो हमें इवेंट होराइजन से सिंगुलैरिटी तक पहुंचने में एक हफ्ता लग जाएगा। और ये नतीजा इस ब्लैक होल के 10 बिलियन साल पुराने फोटो को स्टडी कर निकाला गया है। और ये ब्लैक होल हमसे 18 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। मतलब ऊपर के उन 8 बिलियन सालों में जितने छोटे बड़े स्टार्स प्लैनेट्स और ब्लैक होल्स को इसने खाया है, उसके बाद जितना ये ब्लैक होल एक्सपेंड हुआ है, उसके बाद लाइट को इवेंट होराइजन से सिंगुलैरिटी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, नो आइडिया। बट जिस चीज का हमें आइडिया है वो ये है कि ब्लैक होल चाहे जितना भी बड़ा हो या जितना भी छोटा, एक चीज उसके कोर में सेम होती है, वो होती है पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। और वही पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी ही तो एक्चुअल ब्लैक होल होता है, लेकिन जिसे हम नापते हैं वो होता है इवेंट होराइजन।
तो आपको क्या लगता है, ब्लैक होल का साइज किस आधार पर मेजर करना चाहिए, इवेंट होराइजन या फिर पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।